कितने स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि तथापि छद्मस्त की अपेक्षा पर के सुख को जानने वाला सर्वज्ञ का ज्ञान निश्चय ही है, वास्तविक ही है, सच्चा ही है, काल्पनिक नहीं। यानी पर को जानते हैं सर्वज्ञ भगवान, अभी तो व्यवहार है, व्यवहार झूठा है, वो जानता ही नहीं है। कितना क्लियर है, सच्चा है, निश्चय है, जानते हैं, काल्पनिक नहीं है, कितना। उस वक्त भी इस टाइप के लोग रहे होंगे कि जो पर को जानते ही नहीं है, क्योंकि पर को जानना व्यवहार है। तो जैसे ना चारी को ये बात लिखनी पड़ी। अब वो सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ये लोग तन्मय शब्द का सही अर्थ नहीं समझते हैं। मैं 25वीं दफे कह चुका हूँ अपने प्रवचनों में, फिर भी मैं देखता हूँ उसी टाइप की गलती निरंतर पाई जाती है। क्या क्या है अंतर है देखो दोनों। तन्मय होकर जानने का अर्थ क्या, तन्मय को हम उपयोग की एकाग्रता समझते हैं, माने कभी वो तो एकदम तन्मय हो गया उसमें, मैंने यहाँ वहाँ कुछ नहीं देख रहा है। परीक्षा देते वक्त विद्यार्थी प्रश्नों का उत्तर देने में तन्मय हो जाते ने, कोई आदमी खाने में तन्मय हो गया, कोई किसी के विचार में एकदम चढ़ गया, तो यहाँ वहाँ की कोई बात सुनाए, उसको वो तन्मय समझते हैं। लेकिन यहाँ वो अर्थ नहीं है, इसको शास्त्रीय भाषा में बोलते उपयोग की एकाग्रता। तन्मय माने ये जो अर्थ है कि अपने उपयोग को एकाग्र कर दिया, ध्यान ध्यान में आत्मा में तन्मय हो गए, बोलते क्या नहीं। अब यहाँ ये अर्थ नहीं है, तो क्या अर्थ है फिर, कि तन्मय माने मैं उस रूप हूं ऐसी मान्यता पूर्वक। इन्हें क्या उदाहरण दिया कि सुख का और दुख का, कि सर्वज्ञ भगवान अपने सुख दुख को भी जानते हैं और दूसरों के सुख दुख को भी जानते हैं। सर्वज्ञ भगवान पर लगा रहे हैं, तो अपने सुख दुख को जानते हैं तो उसको भोगते भी हैं साथ में, खुद को उनको दुख तो है ही नहीं, जो उनको अनंत अतीन्द्रिय सुख है वे उसको वो भोगते भी हैं, क्योंकि वे उस तन्मय हैं। तन्मय माने वो उसी रूप है, उन्हीं रूप है वो, और दूसरे को सुख दुख को जानते हैं तो तन्मय नहीं है। तन्मय नहीं है माने एक उपयोग एकाग्र नहीं है, ऐसा तो है ही नहीं, क्योंकि सर्वज्ञ भगवान के तो उपयोग एकाग्र होना और नहीं होने का सवाल ही नहीं खड़ा होता, वहाँ तो सबका एक सही होता है ना। उपयोग एकाग्र है कि नहीं है ऐसा कुछ होता ही नहीं, तो फिर वो दूसरे के सुख दुख को सिर्फ जानते हैं, भोगते नहीं हैं। तो जिसमें स्वापन होता है उसे जानने के साथ भोगना भी होता है, और जिसमें स्वापन नहीं होता है उसे जानने के साथ भोगना नहीं होता है। फिर अब आप इसको तीसरा भेद और निकालो कि एक तो खुद के सुख दुख को, और फिर एक दूसरे का कोई पड़ोसी है उसके सुख दुख को, और फिर दूसरे अपने माँ बाप के सुख दुख को, अपने पत्नी बच्चों के सुख दुख को, तीन भेद कर दो है? तो अपने सुख दुख को तो भोगेंगे, इसमें कोई चिंता चिंता बात ही नहीं कर रही, और दूसरों को नहीं भोगेंगे ये भी नक्की हो गया। अब ये बीच के जो है ना, स्त्री पुत्र माँ बाप, तो इनके दुख को छद्मस्त भोगेगा क्या नहीं भोगेगा, देखो जितना उसमें अपनापन है उतना भोगेगा, जितना अपनापन नहीं है उतना नहीं भोगेगा, स्पष्ट दिखाई देगा ना। तो वो जो अपनापन उस तन्मय माने श्रद्धा गुण की पर्याय है, तत्मय मैं उस रूप हूं, तो तन्मय होकर के जानते हैं उसको बोलते हैं निश्चय से जानना, और जो तन्मय होके नहीं जानते उसको बोलते व्यवहार से जानना। तो व्यवहार का पना तो तन्मय होके नहीं जानना, तो तन्मय होके जान लेवे ना, अज्ञानी जान सकता है, ज्ञानी तो जान नहीं सकता, केवली तो कैसे जानेंगे। तन्मय होना में उनके हाथ में नहीं है, वो तो वे उस रूप है ही नहीं, तो वे तन्मय कैसे हो जाएंगे, समझ गए। जैसे हम वही अर्थ रखते हैं, जैसे तन्मय होना हमारे हाथ में है,
हम मन लगा लो, मन लगा के काम करो, उसे तन्मय होके बोलते हैं। ये अर्थ नहीं है यहाँ। यहाँ अर्थ ये है कि ये मैं हूं ऐसी मान्यता पूर्वक, जैसे कि मेरी पर्याय में परिवर्तन हुआ, मरे मरे ना, मरने का बड़ा परिवर्तन है और वैसे छोटा मोटा परिवर्तन है। अब छोटा मोटा जो परिवर्तन हुआ तो पर्याय में मेरा जितना अहमपन है उतना मुझे उसको बदलने से सुख दुख होता है, जितना अहमपन नहीं है उतना बिल्कुल नहीं होता है। अब जिसका बिल्कुल नहीं है अहमपन, उसे बिल्कुल दुख नहीं होगा। आप समझे ना। तो अभी कैसे कहते हैं, कोई मेरे से कहता था आप ऐसा लिखो, देवलाली में कहते थे ना, तुम्हारे अभय कुमार आए थे मेरे पास स्पेशल, दादा आप ऐसा लिखो कि आप क्या फीलिंग करते हैं अपने बारे में। मैंने कह रही क्या क्या अपने बारे में क्या फीलिंग करते हैं, कुछ बाकी रह गया जो मैं कहता हूँ उसमें कुछ बाकी रह गया, क्या क्या कहना चाहते हैं आप। नहीं 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 वो बहुत बातें चल रही, समाधि फलानी फलानी, अरे क्या है क्या उसमें ये फीलिंग करने की बात क्या है। ये बराबर प्रति समय पर्याय बदल रही ना, बदल रही बदल रही बदल रही, तो उसमें बदलने के अलावा और क्या होना है। मैंने उनका मतलब ये है कि मृत्यु के संबंध में आप सोच करके क्या फीलिंग करते, तो क्या बदलना ही तो है ना, और बदल तो रही है ना प्रति क्षण। यानी वो कौन सा बड़ा बदलाव, बिल्कुल एक सही कंटिन्यूशन में है ना। रोजीना अपन कल की बनियान उतारते हैं और आज बस एक बनियान पहनते हैं, फिर कल फिर धुली बनियान पहनते हैं, बिना धुली उतारते हैं, रोजीना कहते हैं तो आप क्या फीलिंग करते हैं। लिखो एक लेख बढ़िया उस पर, क्यों अब नहीं लिखो आप, बढ़िया अच्छा रहेगा, प्रतिष्ठा पाठ तो बहुत लिखा। ये चंद्रा उतारते हैं फिर कल दूसरा पहनते हैं, क्या लिखता है। तो इसमें वो शरीर में क्या है मुझे बता। आत्मा तो एकदम कंटिन्यूशन में है ना। अब तेरा अपनापन उस आत्मा में है, ध्यान से सुनना। ये मंदिर का धोती दुपट्टा है, तुम्हारा नहीं है। अपना ना नहीं, तुम्हारा हो तो मुझे पता नहीं, मैं तो उदाहरण के लिए कह रहा हूँ। और आप अभी रहे उतार के रख के आओगे, माली धोके डालेगा, कल आप इसको नहीं तलाशोगे, जो मिल जाएगा उसे ओढ़ लोगे। इसलिए मैं मंदिर का कह रहा हूँ, समझ गया ना आपकी ने? आपका उसमें अपनापन है ही नहीं। अपना होता तो अपना नाम लिखा देखते, तलाशते मेरी बनियान क्या है, मेरी धोती क्या है, घर की होती ना तो तुम तलाशते। अभी तुमने दुपट्टा ऐसे डाला और कल आया उसी दुपट्टा उठाया फिर ओढ़ लिया, कैसा फीलिंग करते हो कैला जी, कैसा करते हो। तो जैसे दुपट्टा है मंदिर का, ऐसे ये शरीर है, क्यों ये चला गया दूसरा आ गया, नहीं आए तो अच्छा है मोक्ष में चले जाएंगे, क्यों ये क्या हो, मतलब क्या है ऐसी ऐसी सोचने की बात क्या है, इसमें क्रांति की बात क्या है, इसमें ऐसे कौन बड़ा है। हाय राम ऐसे इतना हो हल्ला करते हैं और जैसे कि भाई क्या होना है, क्या हो रहा है ये बताओ, जिसके बारे में सोचें, जिसके बारे में लिखें, जिसके बारे में बोलें, इसमें क्या बोलने की बात है, क्या सोचने की बात है। यानी मतलब ये है कि हमारा जो चिंतन है, हमारा जो जैन धर्म की समझ है, वो इतनी स्थूल है कि जिसमें ये चीज हमको लगी ही नहीं। आप समझे ना, जहाँ कुछ नहीं होना है वहाँ बहुत कुछ होना ऐसा लगता है। क्या होना, कितनी सहज प्रक्रिया है। मैं जो हमारे साथ निबोध में एक श्वास में 18 बार घटित होती रही है ना, होती रही ना है? क्या अब वैसे तो प्रति समय ही घटित हो रही, प्रति समय संयोग बदलता ही है। आप जानते हैं डॉक्टर लोग भी ये कहते हैं कि 3 साल में अपना ये शरीर के परमाणु पूरे बदल जाते हैं, बिल्कुल पुराने चले जाते हैं और नए आ जाते हैं, रिप्लेस हो जाते हैं। आप समझ रहे कि पुराने ऐसे, ये तो जैसे के जैसे जो पुराने जमे हैं ना, फिर नए आकर वैसे ही के वैसे जम जाते हैं। इधर ये गूदे हैं ना, तो उन नए भी आकर भी गूदे गूदे बन जाते हैं, इतनी भी साफ नहीं होती,
इसलिए आपको पता नहीं लगता, लेकिन 3 साल में पूरे बदल जाते हैं, डॉक्टर लोग कहते हैं। और इसका प्रूफ क्या है देखो, मैं आपको बताऊं कि एक आदमी जयपुर में रहता था तो बहुत अच्छा स्वस्थ रहता था, सब बढ़िया। बम्बई जाता था तो छींक छींक छाँ छींक छींक छींक, वहाँ की जो जलवायु है ना वो उसको सूट नहीं करती थी, छींक छींक होती। फिर धीरे धीरे बम्बई रहने लग गया, तो रहते रहते वो 3 साल में पूरे परमाणु बदल के बम्बई के परमाणु आ गए उसमें, और ये परमाणु खत्म हो गए। अब वो यहाँ जयपुर आता है तो छींक छींक करता है क्या? यानी इससे प्रूफ ये हो गया कि वो वहाँ जाके पूरा बदल जाता है। अब वहाँ का जो भी खान पान आएगा वो सब वहीं की आब हवा आएगी ना, परमाणु वहीं के आएंगे ना, तो उन परमाणुओं को वहाँ की जलवायु को रहने की आदत है। यानी ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो निरंतर बदल रहे हैं। तो ये देह भी तो बदल ही रही है ना, क्यों है? तेरे को नहीं लगती है, तुम्हें समझता कि वही है इसलिए तेरे को ऐसा लगता है। नहीं, इसमें क्या सोचना मेरी समझ में नहीं आता कि तुम पंडित लोग हो और अपने को कहते हो और मेरे पास आए हो और मेरे से इस बात की अपेक्षा करते हो है? तुम ये कहते हैं कि तत्वाशुद्ध पूरा जल्दी कर दो, फिर वो ये कहते हैं कि एक और कोई ग्रंथ बाकी रह गया है यदि वो भी कर दो तो बहुत अच्छा है, तो मेरी समझ में आता क्या है? तुम सोच क्या रहे, सोच समझ में क्या रहा है तुम्हारी, मेरी समझ में नहीं आ रहा है क्या कि कौन सा ऐसा बहुत बड़ा क्या होने जा रहा है कि जिसके बारे में कुछ सोचा जाए। सोचने की बात क्या है? एक सेकंड भी इसमें सोचने की बात नहीं है, हम व्यर्थ में ही ऐसी बातें करते हैं। तो अभी देखो, इनने जो बात करी जयसेनाचार्य ने, क्या कही? यही तो कही है कि वो तन्मय होकर के, तो वो हमने इस वजह से व्यवहार कहा कि ये मैं नहीं हूँ ऐसी श्रद्धा पूर्वक जाना तो हमारा ज्ञान में कोई आंदोलन नहीं होता है, उसके जानने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा किसी भी गेय को जानने से, और ये मैं हूँ ऐसी श्रद्धापूर्वक जाना तो बहुत फर्क पड़ेगा उसकी अनुकूलता प्रतिकूलता उस सब बात में। जैसे मान लीजिए ये पड़ोसी है, और पड़ोसी का भी स्वास्थ्य ऐसे ही तो हो रहा है ना जैसे आपका हो रहा है। कैसे हो रहा साहब? ऐसी ऐसी बात थोड़ी ऐसी, अरे भाई हमने जन्म हमारा जन्म हुआ है और मान लो कि ऐसा कोई नहीं है कि अभी 1 लाख वर्ष तक जीने वाला है, और ऐसा भी कोई नहीं है कि अभी एक सेकंड में ही मर जाने वाला है। पर मोटा मोटा होता है, कोई 2 वर्ष पहले के तो कोई 2 वर्ष बाद तक ऐसे चलता रहता है ना। तो सब में ही निरंतर यूँ भाव मरण और भाव सदन निकरण सदियों से करता आया हूँ, प्रति समय होता है ना। हम प्रतिदिन मरते रहते हैं, क्षण क्षण करके दिन रात गुजरते रहते हैं, हम प्रति क्षण मरते रहते हैं, प्रतिपल मरते रहते हैं, तो प्रति समय हो रहा है वो तो परिवर्तन प्रत्येक में हो रहा। अब तुम में हो रहा तो हमें कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, और हम में हो रहा तो हमें फर्क पड़ रहा है। इसका मतलब ये है कि तुम्हारा उसमें अपनापन नहीं है तो फर्क नहीं पड़ रहा ना, और इसमें अपनापन है तो फर्क पड़ रहा है। अब वास्तव में देह तो वैसे ही भिन्न है ना, तो इसमें भी अपनापन नहीं हो गए रंच मात्र भी, तो इसमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो इसमें फर्क पड़ रहा है तो तुझे इसके बारे में सोचना चाहिए। क्या 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 मतलब समझ क्या अजित जी है? इसके बारे में क्यों पड़ रहा है तुझे को फर्क? तूने अभी देह से वैसी भिन्नता नहीं मानी जैसे दूसरे की देह से मानी है? फर्क तो इस बात का है कि वस्तु का जो वो स्वरूप है वो तेरे समझ में नहीं आया कि सब चिंतन 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 क्या है। जब समझ में आना ये असली चीज है, समझ में आने के लिए चिंतन की बात होती है, तो समझ में है 24 घंटा वो उपयोग में थोड़ी हम ला के रखेंगे, लब्धि ज्ञान में है, उसमें लाने की क्या जरूरत है जबरदस्ती लेने का? समझ ना जरूरी है, निरंतर रटते रहना समय जरूरी नहीं है। क्यों? तो सामने शेर आता दिखाई दे रहा है, नमो निरंतर नमो निरंतर नमो निरंतर,
जो उन्हें पास आया तो ओ नो रे ओ नो रे, ये फर्क काहे का पड़ रहा है? तुझे नमोका में तो भरोसा है ना कि वो आएगा कुछ नहीं खाएगा ना, तो शांति से पढ़ता रहे ना, शांति से पढ़ता रहे ना। देखिए वो प्रति क्षण सांस बदल रही है, जा रही है, आ रही है, उसके विकल्प से ये हो रहा है, क्या है? यानी तेरी श्रद्धा में सारी जिंदगी में तूने जैन दर्शन का अध्ययन किया, मनन किया, चिंतन किया, समझा, और कुछ समझ में नहीं आया ऐसा लगता है। समझ में आ गया हो तो इसमें कुछ सोचने समझने की बात ही नहीं है, ये ज़्यादा चिंतन चिंतन की बात ही नहीं है। वो उसको ज़्यादा चिंतन में मतलब एक मुफ्त में ही उसको एक हवा खड़ा करना है, उसके अपने चित्त में अपने चित्त को नॉर्मल नहीं रहने देना है। फटाफट ये सुनाओ ये सुनाओ ये सुनाओ, या कहीं कोई वो पढ़ने लग जाए ना तो तेरे को कौन दुख है मृत्यु महोत्सव भारी, तो एकदम क्या क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हो गया क्या हो गया। ये बहुत बढ़िया चीज है, ये कवि की लिखी हुई है और वो आज ही पढ़ रहे हैं, इसमें कुछ होने की जरूरत है। ये शादी का गीत है, कहीं शायद गाया जा रहा है तो कहीं शादी हो रही होगी, काय का गीत है ये तो बस तो स्वरूप है। यानी बारह भावना, बारह भावना राजो राणा राजा, अरे राजा बारह भावना तो मुनि राजों का गृहस्थों का दैनिक चिंतमन की वस्तु है, उनके उनके ज्ञान में निरंतर रहती ही है, रहनी ही चाहिए। अभी स्पेशल क्या हो गया जिसके लिए स्पेशल कुछ हो, ये बात हो गई ना। अभी अपन को क्या बताना है वो पढ़ लिया अपने जैसेनाचारी का पूरा। हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो। दूसरे का जो आनंद सुख है वो उनके ज्ञान का गेय बन रहा है। कौन सा रूप है? वे उसमें उनका अपनापन नहीं है ना, और वे है नहीं क्या? नहीं नहीं छदमस्त की नहीं, केवली की बोल रहा हूँ। तो नहीं है ना, तो इसलिए भाई साहब उसको नहीं भोगते हैं, वो अपने आनंद के गुण को भोगते हैं और दूसरे के आनंद सुख को वो नहीं भोगते हैं, सिर्फ अकेले जानते हैं बस। हाँ वही तो कह रहा हूँ ना, किस रूप से जैसा है वैसा जान रहे हैं। उसमें क्या उसमें क्या किस रूप क्या रह गया, माने भोगने भोगने रूप नहीं, भोगने रूप नहीं जान रहे, जानने देखो उन्हें नहीं जानने की सुविधा नहीं है, और वो निरंतर एक सा ही जानते हैं। उनमें कोई कभी कुछ ज्यादा अच्छा जानने लग गए, कभी कम जानने लग गए, ऐसा भेद भी नहीं होता है। सब सहज भाव से उनके ज्ञान का गेय बन रहता, मेरे ज्ञान का गेय क्यों बन रहे ये भी विकल्प नहीं है, नहीं बन रहे तो क्यों नहीं बन रहे ये भी नहीं बन रहे क्या, तो सवाल ही खड़ा नहीं होता। आप समझ रहे हैं ना आपके, यही तो हम कह रहे हैं कि यदि हमको कोई पर पदार्थ हमारे ज्ञान का गेय ना बन जाए इसके लिए हम बहुत सावधानी बरत रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हमें केवल ज्ञानी नहीं होना है। यदि हमें केवल ज्ञानी होना है तो हमें उस दिशा की तरफ बढ़ना चाहिए ना, हमारा हर कदम उस दिशा की तरफ होना चाहिए ना। कम से कम सबको हम नहीं जान पा रहे, लेकिन जो जानने में आ रहा उससे क्यों इनकार कर रहे हैं, नहीं आ रहा तो उसके क्यों आकुलता कर रहे। मेरे कहने का मतलब ये है कि हम सहज ज्ञाता दृष्टा भाव अनंत सिद्ध भगवान अनंत काल तक रहेंगे, तो हमारा जीवन में भी सहज ज्ञाता दृष्टा भाव प्रकट होना चाहिए ना, और निरंतर उसमें वृद्धि होनी चाहिए ना,
सहज सहज ज्ञाता रिश्ता का मतलब ये है कि केवली के साथ तो ही है ना कि जानने अपने लिए है, आ गया जानने में तो बहुत बढ़िया, नहीं आया तो बहुत बढ़िया है। अपन कहते ना क्यों भाई साहब आप वहाँ जाओगे कि नहीं, कोई ऐसा विकल्प नहीं है कि नहीं जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। क्या मतलब कि जाओगे ऐसा भी कुछ नहीं है और नहीं जाओगे ऐसा भी कुछ नहीं है कि हाँ, यानी तुमको ऐसा लगता है कि हम नहीं जाएंगे ऐसा कहें तो उसमें कोई जाने में हमें कोई ऑब्जेक्शन है, तो ऐसे हमारे चित्त में कोई बुराई है ही नहीं, ऐसा विकल्प है ही नहीं कि हमें किसी के यहाँ नहीं जाना, और किसी के यहाँ जाने का भी विकल्प नहीं है। ऐसी दशा स्थिति होनी चाहिए ना, तो फिर क्या है, फिर जब बताओगे तुम जाओगे कि नहीं, जाएंगे तो चले जाएंगे और नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे, उस पर जो जैसा जो प्रणमन होना होगा वो हो जाएगा, तो फिर तुम क्या करोगे, उसे देख लेंगे जान लेंगे। यदि हम चले गए तो ये जान लेंगे कि हम चले गए, नहीं गए तो ये जान लेंगे कि नहीं जान गए। कैलाश जी अब यहाँ आते थे तो बहुत खुशी होती थी हमें, अब नहीं आना बंद हो गया तो कोई ज़्यादा विकल्प नहीं आया। वे सब वो सब जानते हैं, कुछ भी बाकी नहीं है, किस रूप में जानते हैं कहें किस रूप में नहीं जानते हैं। तो बैठ रहे सुनो बैठ बैठ रहे सुनो बैठ रहे नहीं यार जान ले तो नहीं जान रहे, हम क्या फर्क पड़ना है। सुनो ऐसा है देखो वीतराग भाव से रहना अपना, तो ऐसा है कैलाश जी आते थे तो बहुत खुशी, कैलाश जी ने बंद कर दिया तो कोई विकल्प नहीं आया, अब द्वारा आ गए तो बहुत खुशी, बोल लिया उनको प्रसन्नता है ना। आप समझे आएंगे तो अपने छाती से लगाएंगे, नहीं आएंगे तो कहीं खोजते 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 हुए नहीं जाएंगे। हम तो बिल्कुल सहज अपने जीवन को बिल्कुल सहज बनाना, क्या उसको उसमें कोई ज़्यादा टेंशन नहीं रखना है? जो सहज परिणति है उसमें रंच मात्र भी विकल्प राग देश क्यों रखना, काय के लिए रखना, किससे क्या लेना देना है, क्या जगत है, क्या स्वरूप है जगत का। ये ऐसी गंभीर हमारी चिंतन होना, ज्ञान का स्वरूप गंभीरता है, ज्ञान का एक गुण गंभीरता भी है कि हमारे अंदर वो गंभीरता, गंभीरता का मतलब नो रिएक्शन, जरा सी अनुकूलता में राग रूप रिएक्शन, जरा सी प्रतिकूलता में द्वेष रूप रिएक्शन, क्या मतलब है ना। तो ये सारा ये जगत का स्वरूप, और हमको वीतरागता की तरफ जाना है ना, मोक्ष में जाना है तो वहाँ ऐसा ही रहना पड़ेगा ना। तो यदि हमने ऐसा रहना नहीं सीखा तो फिर हमारा उधर का क्या होगा, ये दिक्कत हो जाएगी ना। एक बहुत अच्छा छंद आता है, कवि ने लिखा है, बिहारी कवि ने जयपुर का हुआ है ना, कि हे भगवान श्री कृष्ण तुम मेरे हृदय में आकर के रहो, इन सज्जनों के हृदय में मत जाना, मैं बहुत कुटिल हूँ बदमाश हूँ, मेरे हृदय में आके रहो। क्यों कि तुम में तीन टेढ़े हैं, त्रिभंगी लाल हो तुम, तीन भंग ऐसे ऐसे खड़े होते हैं मुरली बजाते रहे, तो तीन टेढ़े तुम में हैं और मेरे हृदय भी बहुत टेढ़ा है, तो उसमें तुम्हें आराम मिलेगा ऐसा, पर हृदय हो कोई सीधा और तुम टेढ़े उसमें जाओगे तो बहुत तकलीफ पाओगे, ऐसा लिखा है जयपुर के कवि ने, इसका नाम बिहारी कवि है, कि हे तुम मेरे हृदय में आके बसो हे त्रिभंगी लाल, क्योंकि मेरे जैसा टेढ़ा हृदय तुम्हें और कहीं नहीं मिलेगा। क्या वो भगवान से ऐसा कह रहा है, मेरे जैसा टेढ़ा हृदय तुम्हें कहीं दूसरी जगह नहीं मिलेगा, तो क्या है ये, तो कभी की मेरे कहने का अर्थ ये है, अपन तो बिल्कुल सरल अपने जीवन को एकदम सहज बनाओ, अत्यंत सरल बनाओ,
क्योंकि निरंतर अनंत पदार्थों का वियोग हो रहा है, चाहे हम मरे चाहे वे मरे, कोई नष्ट हो मतलब वियोग हो ही रहा, और निरंतर अनंत पदार्थों का नया संयोग हो रहा, और एक किसी भी कीमत पर हमारे हाथ में नहीं है इसका बदलना। तो सहज भाव से स्वीकृति हमारे चित्त को होनी चाहिए, यही सच्चा समाधि है। इसमें से और कुछ सोचने की गुंजाइश कहीं नहीं है। समय सार कलश 215 और 216, दो कलश हैं अभी चलेंगे, उन गाथाओं के बाद उसी बात का उपसंहार दोनों कलशों में है। पढ़ो जाती हूँ, इसमें देखना है पेज नंबर, हाँ 372 पेज के ऊपर देखो। शार्दूल विकीर्ण थे भाई, सद्रव्य निरूपणार्पित कर्ता कर्म संबंधी, भोक्ता भोग संबंधी, इन संबंधों का निषेध किया था दो द्रव्यों के बीच में, और ये कहा था कि प्रत्येक द्रव्य स्वयं का ही कर्ता भोक्ता है और स्वयं ही उसके भोग्य है, वो स्वयं का स्वयं में ही होता है। कर्ता कर्म और भोक्ता भोग्य अलग अलग द्रव्यों में नहीं हो सकता। फिर बाद में ज्ञाता गेय के संदर्भ में क्या है, तो ज्ञाता गेय भी पर के संदर्भ में, पर का कर्ता तो किसी भी कीमत पर रंच मात्र भी नहीं है। जिस व्यवहार ने से पर का कर्ता कहा जाता है वो तो असद्भूत व्यवहार है, लेकिन सारे लोकालोक को जानना वैसा असद्भूत नहीं है जैसा कि पर का कर्ता भोगता है। यानी कर्ता तो है ही नहीं, भोगता तो है ही नहीं, और जानता तो पक्का है। कल जैसे नाचारी पंक्ति पढ़ के बताई थी ना कि इन दोनों में अंतर क्या है। अभी हमारे बहुत से आध्यात्मिक विद्वान भी तीनों को एक ही उसमें खताते रहे हैं, और नए चक्र में भी पर के साथ संबंध होने ना, पर को जानता है, इसलिए पर का संबंध होने से उसे असद्भूत व्यवहार नए में भी लिया है।